अस्सलाम वालेकुम, सो उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम लोग ट्रेवल कर रहे हैं इस्लामाबाद टू कराची और आपको रोड कंडीशन के बारे में बताएंगे कि फ्लड के बाद रोड के क्या हालात है, इस्लामाबाद से कराची जाने में कितना टाइम लगता है और हमारा पहला स्टे होगा मुल्तान। तो भाई नाना और नानी के लिए हमने स्पेशली अभी फ्रूट्स पैक करने, अभी देखते हैं कि यार फ्रूट्स क्या क्या लगे। लिटिल लेमन ये तैयार हुआ है। माशाल्लाह माशाल्लाह, लुक एट द साइज यार, लेमन का साइज देखें। ओए हम ना गिर गया ये तो। इसके साथ जो टहनियाँ होती है ना उसके साथ ही हमें बांस लगा के रखना पड़ता है क्योंकि वेट इतना ज्यादा होता है इसका। सीजन ऑफ होने लगा है, मिठे बस थोड़े से रह गए, ये भी ढलवा लेते हैं। अच्छा इस कॉर्नर में क्या लगा हुआ यार, मैं तो काफी दिन हो गए नीचे भी नहीं आया हूँ। ये कुछ मुझे यहाँ पे संतरा नजर आ रहा है। हाँ इसका साइज थोड़ा मेरे ख्याल से भी छोटा है लेकिन ये तैयार हुए हैं। आप पौधों को नहीं छेड़ते ना। अच्छा यहाँ पे लगे हुए रेड ब्लड और ये लगी हुई है जी मौसम्बी, ये मेरी फेवरेट है, खट्टी मीठी होती है, बड़ा मजा आता है इसको खाने का। जी चाहिए एक, ये लो एक लग रहे तैयार, ये लो चले। नहीं अभी ऐसे थोड़ी खाते, धो के खाना। तो नीचे क्या क्या तोड़ा आपने? चकोतरा, मिठा मौसम्बी और वो अंगूर के पत्ते और लेमन ग्रास भी तोड़ दिया। तो जी फाइनली तोहफा तैयार हो गया, इसमें अंगूर के पत्ते, ये लेमन ग्रास और अंदर हमने जो सारी चीजें आपको तोड़ के दिखाई थी अभी ये सारी डाल दी और हम ना बाबा जा रहे। आप बाबा के साथ नहीं जा रही? जाओगी? वो नोजी हो रही है। ले आओ ले आओ ले आओ, सबसे पहले बोरी अंदर जा रही है, इसके ऊपर ये रख दे। अबे 10 दिनों के लिए जा रहे हैं या तुम लोग पूरे कोई 50 दिनों के लिए? इतना सामान। इस्लामाबाद में जैसे सेवर फूड है इसी तरह अभी नया खुला है ब्रावो फूड्स। तो अभी हम लोग यहाँ से लंच के लिए कुछ ले लेते हैं। ये जी आ गए भाईजान, क्या बात है। ये इसमें भी रोस्ट है, रायता सलाद डाल दी। टाइम हो रहा है अभी तकरीबन 4:15 और 2 बजे हमने मोटर एंटर किया था। अभी फिलहाल हम लोग हैं सियाल इंटरचेंज के ऊपर, सॉरी क्यामोताम के ऊपर। यहाँ पे अभी हम लोग करेंगे लंच। ब्रावो 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 वालों की फ्री की प्रमोशन हम लोग करें। और ओए होए होए होए, गर्मा गर्म चावलों के साथ है ये रोस्ट का पीस, मजा आ जाएगा। मानो आपने खाना, मानो मानो का पेट भरा हुआ है मेरे ख्याल से। कवा भी आ गया। पैकेट हमारे पर एक्स्ट्रा आ गया था, जाया करने से अच्छा है कि हम किसी को दे दें। और मानो ने मजे मजे से खा लिया सब कुछ। वाजी वाजी। ये आ गए ग्रेपफ्रूट और ये मौसम्बी, इनका मिक्स करके भी जूस बनवाते हैं। पेट पूजा हो गई है, फ्रेश जूस भी पी लिया, थोड़ा सा ब्रेक लिया था 10-15 मिनट का और अभी इसके बाद हम लोग एंट्री करेंगे फैसलाबाद, फैसलाबाद टू मुल्तान मोटरवे। सो फाइनली अभी हम लोग रुके हैं क्यामोताम के ऊपर। इस्लामाबाद से जो लाहौर मोटरवे है उस पर जो क्यामोताम आते हैं वहाँ पे आपको काफी ब्रांड्स मिलेंगे जो फूड ब्रांड्स हैं। लेकिन जो फैसलाबाद से मुल्तान मोटरवे वहाँ पे इतने ज़्यादा अच्छे क्यामोताम नहीं बने हुए। ये ठीक है, मतलब नॉर्मल आप लोग इजीली आके फ्रेश हो सकते हैं, कुछ चाय पानी यहाँ पे आपको आराम से मिल जाता है। लेट्स हैव अ कप ऑफ टी और शीशे वीशे साफ कराने पड़ते हैं, मच्छर अक्सर औकात आ जाते हैं और सारा शीशा गंदा हो जाता है। सो व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, चाय बड़े मजे की यार, चाय दियो कि लाला। फाइनली अभी हम लोग मुल्तान पहुँचे हैं और आ जाओ भाई। फाइनली 7 बजे हम लोग पहुँच गए थे मुल्तान और 4 मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ रिलेटिव्स के डिनर कर करके अभी बज गए रात के 3। सुबह के 9 बजे का अलार्म सेट कर लेते हैं। ओके जी सुबह मिलते हैं। सो गुड मॉर्निंग फ्रॉम मुल्तान द सिटी ऑफ सेंट्स। खैर मौसम बहुत अच्छा है और रात को हल्की फुल्की सी ठंड थी और अभी चल रही है नाश्ते की तैयारियाँ। फ्रूट्स, हलवा पूरी और ये लग रही है तरकारी, दाल है नहीं आलू का सालन, चेक करते हैं। चने और यहाँ पे पड़ा फ्रेश दही, फ्रूट्स पड़े हुए हैं और यहाँ पे है कलेजी फ्रेश और ये पड़ी हुई हैं पूड़ियाँ और ये एक और किस्म के चने हैं, यहाँ पे फ्रेश मगज और ये एक और किस्म के चने और यहाँ पे पड़े हुए हैं नान। ओए होए होए,
यार ये बंदा उस वक्त से गोलगप्पे वाला लगा के बैठा हुआ है, लेकिन नाश्ता इतना हैवी किया है कि मैं अभी ये बिल्कुल भी नहीं खा सकता। सो फाइनली अभी हम लोग निकलने लगे और नाश्ते की कहानी मैं आपको अंदर बैठ के सुनाता हूँ। क्लोज द डोर्स। तो रात की कहानी सुन के आपको लग रहा होगा शायद ये बंदा मजाक कर रहा है, लेकिन सुबह का नाश्ता देख के आपको यकीन हो गया होगा कि ये बंदा झूठ नहीं बोल रहा। खैर अभी हम लोग मुल्तान टू सखर मोटरवे पे चढ़ा है, टाइम हो रहा है एक दिन का 1:00 और मुल्तान से सखर जो है वो तकरीबन 400 किलोमीटर का रास्ता है। ये जी सफर की सबसे अच्छी चीज ड्राई फ्रूट्स, और ये है मेरे फेवरेट ड्राई फ्रूट हेजलनट्स। वैसे तो इसको तोड़ के खाते लेकिन मजा मुझे पता नहीं क्यों ऐसे डायरेक्ट खाने में। मुल्तान से सखर मोटरवे बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है और लेफ्ट और राइट पे चलते हुए आपके ग्रीन बेल्ट्स आते हैं और रास्ते में बहुत ही खूबसूरत क़यामो ताम बने हैं। तो अभी हम लोग पहुंचने लगे हैं सखर, और सखर से आगे हमें दो ब्लॉकेज नजर आ रही है। फिलहाल अभी हम लोग ने सखर एंटर कर लिया, टाइम हो रहा है 4:30 और खूबसूरत तरीन बागात खजूरों के देखने को मिल रहे हैं। रोड कंडीशन फिलहाल तो बहुत बेहतर है, जैसे नॉर्मली पहले रोड हुआ करता था सेम वैसे ही, लेकिन आगे जाके जहाँ ब्लॉकेज है लेट्स सी के वहाँ जाके रोड के क्या हालात। सैलाब जदगान अभी भी रोड के किनारे खेमों में अपनी जिंदगी गुजारे और जगह जगह पे पानी खड़ा हुआ है और फसलें तबाह हो गई हैं। तकरीबन 1.5 घंटे ड्राइव करने के बाद अभी जाके एक कच्चा सा पैच है और रोड की हालत काफ़ी ख़राब है सैलाब की वजह से, लेकिन ये कि रोड लेवलिंग और मेंटेनेंस का काम लगा है और काफ़ी सारी ऐसी जगह है जहाँ पे रोड के ऊपर से सैलाब के साथ जो मट्टी आई थी वो साइड पे इन्होंने अलग अलग डेरियाँ लगा के रख दी गई हैं। तो अभी जो पीछे टूटा हुआ रोड गुजरा है वो तकरीबन हार्डली 10 से 15 मिनट का रास्ता था, उसके बाद फिर से वही नॉर्मल रोड के हालात शुरू हो गए, लेकिन ये कि रोड कहीं कहीं जगह से पहले से अब ज़्यादा ख़राब हो चुका है। सो फाइनली 4.5 घंटे की नॉन स्टॉप ड्राइव करने के बाद अभी हम लोग आ चुके हैं कराची टू हैदराबाद मोटरवे, और बैक साइड पे मेरे है क़यामो ताम। यहाँ पे ज़रा चाय शाय पियेंगे थोड़ा सा फ्रेश हो जाए। रोड कंडीशन बताऊं तो आपको 3 से 4 पैचेस ऐसे आए थे जो सैलाब की वजह से काफ़ी डैमेज हो चुके हैं। एक पैच जो आता है वो मोरो से पहले आता है, और एक पैच जो आता है जो मेजर पैच है वो हैदराबाद टूल प्लाजा से तकरीबन 50 किलोमीटर्स पहले आता है। तो ये कि वहाँ पे आपको थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगता है, लेकिन बाकी ओवरऑल रोड कंडीशन इज़ गुड, यू कैन ट्रेवल, और अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र अच्छा गुजारा है। अल्हम्दुलिल्लाह कराची टूर प्लाजा आ गया और तकरीबन हमें यहाँ पे पहुँचने में मुल्तान से लगे हैं 11 घंटे। हेलो हेलो फाइनली पहुँच गए यार नाना नानी के घर, थक के बुरा हाल हो चुका है। तो ये भाई अभी चिट्टा कट्टा में थे हमारे साथ और अभी हम लोग आ गए इनके पास कराची। तो एट द एंड इट वॉज अ रियली गुड ट्रिप, रोड कंडीशंस बिल्कुल ठीक हैं, आप लोग इजीली ट्रेवल कर सकते हैं, और आगे आने वाले दिनों में कराची में बहुत होने लगा फन। सो स्टे ट्यून्ड विद JNTV, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब द चैनल, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम @JNTV_PK। अल्लाह हाफिज़।